देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, मैं बोलती हूं सबसे पहले आज उनका जन्मदिन है, उसकी उनको बधाई शुभकामनाएं। लेकिन मैं बोलना चाहती हूं कि अगर आपको दिल्ली के गरीबों के स्वास्थ्य की इतनी चिंता है और आप इतना उनके बारे में सोचते हैं, तो केजरीवाल जी, इतने सालों से आपने आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी 5 लाख रुपये का बीमा देते हैं गरीबों को, वो क्यों नहीं दी? पूरे भारतवर्ष के अंदर लाखों करोड़ों लोग इस जो उनकी नीति है, इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं दी? केवल राजनीति करने के लिए आप इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, मीडिया को बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जनता को भरमाएंगे, ये नहीं चलेगा। और जहां तक शिक्षा मॉडल का भी सवाल है, मैं ये बोल देना चाहती हूँ, एक प्रश्न है मेरा सौरभ भारद्वाज जी से और तमाम केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी से, कि आप एक लिस्ट जारी कर दीजिए आज, उसमें ये बता दीजिए कि आप जो दिल्ली के सरकारी शिक्षा सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉडल के तर्ज पर आप कहते हैं कि आपने उनको बनाया है, तो इतना बता दीजिए कि कितने मंत्री, कितने नेता, कितने विधायकों, कितने पार्षदों और कितने आपके ऑफिस बेयरर्स के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं? अगर आपने दिखा दिया तो मैं मान जाऊँगी। भीम सिंह। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब तक स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान नंबर वन नहीं बनेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षा और स्वास्थ्य तो सबसे जरूरी है। अगर शिक्षा स्वास्थ्य पे आपको जितना से जितना फैसिलिटी मिलेगा, उतना ही वातावरण बढ़िया बनेगा और उतना ही भविष्य, सब जो कि बच्चों का भविष्य और जो स्वास्थ्य से जुड़े हैं उनका भविष्य भी बढ़िया रहेगा, ये तो मेन चीज़ है। तो सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं? हाँ, बिल्कुल स्वागत करता हूँ। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियाँ फ्री का लालच लेकर सत्ता में आना चाहती है। अजय सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वोट के लिए कौन फ्री का लालच नहीं दे रहा है? क्या प्रधानमंत्री लालच नहीं देते हैं वोट के लिए? वो नहीं लालच देते 15 लाख रुपया मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अपने को ये मिलेगा वो मिलेगा, वो भी तो लालच देते हैं, ये सब लोग लालच दे रहे हैं। तो इसमें अरविंद केजरीवाल लालच ही दे दिए और लालच दे के कर दिए, लोगों ने तो लालच दे के किया भी नहीं, तो कौन से गुनाह कर दिए? आप ये बताइए, लोग इस समय कह रहे हैं कि बस फ्री हो गया, वो फ्री हो गया, जो 8-9 हज़ार रुपये की नौकरी औरत करती है, वो पहले 2 घंटा पहले अपने घरों से निकल के नौकरी पर जाती थी पैदल, कि मेरा 1 हज़ार रुपया किराया बच जाए, वो 1 हज़ार रुपया मेरे बच्चे के दूध में और खाने में काम आएगा। इस समस्या को अगर केजरीवाल जी ने देख के बस फ्री कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? तब तो सबको पेट में दर्द हो रहा है फ्री फ्री। अगर यही पैसा केजरीवाल लूट के अपने घर लेके चले जाते फिर क्या होता? अगर यही पैसा नेता लोग लूट के अपने घर लेके चले जाते, घोटाला कर देते और पब्लिक को वो भी नहीं मिलता, लेडीज को फ्री भी नहीं मिलता, फिर क्या होता? फिर भी तो हिंदुस्तान वैसे ही रहता, तब तो उस समय लोग नहीं चिल्लाते। विजय माल्या पैसा लूट के चला गया बाहर, ललित मोदी चला गया, नीरव मोदी चला गया, तब तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। अगर फ्री बस मिल गया, किसी को सुविधा मिल गया, तो फ्री 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 सारे बोलने लगे। अगर मान लो गरीब मजदूर का लड़का बढ़िया कपड़ा पहन के, यूनिफॉर्म पहन के बढ़िया स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको क्या तकलीफ़ हो रहा है? तकलीफ इसीलिए हो रहा है ना कि वो पढ़ लिख के आगे जाएगा तो मेरे से सवाल पूछेगा कि आप लोग मेरे लिए क्या किए हो? केजरीवाल तो मेरे लिए ये किए हैं, आप लोगों ने क्या किए हो? तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिए? नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रवीण शुक्ला। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब स्वास्थ्य और शिक्षा देश में फ्री होगा तभी हिंदुस्तान नंबर वन देश। ये सब राजनीति की बातें हैं, सत्ता में बने रहने की बातें हैं। एक तरफ खाने पीने चीज़ों पर GST बढ़ता जा रहा है, एक तरफ हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, और जब हमारे खाने पीने की चीज़ें महंगी रहेंगी तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर कहाँ होगा? तो क्या ये तो दिल्ली सरकार का मुद्दा नहीं है ना, GST और ये सब? आप फ्री शिक्षा, फ्री जो स्वास्थ्य, ये फ्री शिक्षा, देखिए आप जानते हैं कि हमारे देश का या कोई भी प्रदेश हो उसका बड़ा तबका थोड़ा सा आर्थिक पक्ष से कमज़ोर होता है, उसको फ्री की चीज़ें देंगे, हमारे वोट बैंक सुरक्षित रहेंगे जी। तो सरकार के इस फैसले का आप क्या स्वागत करते हैं? नहीं, सरकार का ये फैसला अपने वोट बैंक को बनाए रखना है, जनता को कोई लाभ, जनता को इसका कोई लाभ नहीं। लाभ तो हो रहा होगा ना? नहीं, लाभ क्या हो रहा? आप किसी भी फ्री सिस्टम को देखिए, आपका मोहल्ला क्लिनिक है, सर्वे कर लीजिए एक बार, जाके क्या हाल है। तो फिर भी वही क्यों जीत रहे हैं दिल्ली में? यही तो सवाल है। देखिए है क्या कि प्रलोभन जनता के बीच, गरीब तबके की जनता है, उसको जो भी फ्री में मिल जाता है वो उसी को अपना भगवान समझ लेती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि जब फ्री की सुविधाएं मिलेगी, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री होगा, तभी हिंदुस्तान नंबर वन बनेगा।
नहीं होगा नंबर वन जब तक ये लोग सारी चीज़ फ्री मांगेंगे, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस का किराया फ्री। ये करप्शन है, ये ख़त्म होना चाहिए। कुछ भी फ्री नहीं, क्योंकि हर चीज़ का किराया होना चाहिए। अगर ये होगा तो अपना देश तभी आगे बढ़ेगा, और इसके बिना नहीं। अगर फ्री दिया जा रहा है तो अब एसी बस में बैठ जाओ आप, नॉर्मल सी आप बैठ गए, उसमें एसी की हवा लगती है आप खुद ही बताओ, नहीं लगती। वो तो एक मतलब ऐसे है कि नॉर्मल बस में चढ़ गए आप, किराया आपने पूरा दे दिया पर फायदा कोई नहीं है, और रास्ते में जाके क्या होता है, खराब हो जाती है। तो सरकार के इस फैसले का आप स्वागत नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। मतलब हाँ, सुविधा हो, सुविधा जरूरी है। अगर सुविधा नहीं मिलेगी आपको कोई फायदा नहीं, फ्री में तो जाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, यही ये गलत जनता को, जनता की गलती है ना। जनता आज फ्री में खा रहे हैं, कल को हमें कौन देगा? आज हम लोग खा लेंगे, कल को कौन देगा? कल को कोई नहीं देगा। इससे बढ़िया आज करो, आज ही करेंगे तभी कुछ होगा। अगर मैं सोच लूँ मेरे को चीज़ फ्री मिली है, मैं आज ले लूँगा, कल कहाँ से खाऊँगा? ये सोच के चलो ना, ये चीज़ सोचेंगे तभी हम काम होगा। अगर ये सोचेंगे फ्री का मिल रहा है भैया ले लो ले लो, तो उसमें अपना ही काम खराब है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। क्या नाम है आपका? ललित। ललित जी, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा जब तक फ्री नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान नंबर वन देश नहीं बन सकता, आप इस फैसले को, इस बयान को कैसे देखते? देखिए, जो बयान उन्होंने दिया अपनी तरफ से, एक मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली के, तो अपने हिसाब से उन्होंने सही दिया है कि इसके आड़ में वो खा पी सकते हैं, अपने लिए जोड़ सकते हैं, तो ये तो उन्होंने सही कहा है कि इन्हीं के आड़ पे उनको खाने पीने को मिल सकता है, बाकी नहीं तो ईडी का उन पे छापा पड़ सकता है। तो क्या आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए वो ऐसा कह रहे हैं? भ्रष्टाचार करने के लिए कह रहा हूँ, छिपाने के लिए नहीं कह रहा आपसे, वो भ्रष्टाचार इसके आड़ में करने के लिए कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर सरकार इस तरह की सुविधाएं लाती है तो उसके अंदर भ्रष्टाचार होता है? बिल्कुल भ्रष्टाचार होता है, आप देख लीजिए, एक रुपए की चीज़ 10 रुपए में दिखाई जाती है, बताई जाती है। कहाँ बताई जाती है? कई बार अभी वेंटिलेटर आपने देखा था ऑक्सीजन के, उसमें क्या रेट बताया गया? तो अगर फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य मिलता है तो इसमें दिक्कत क्या है? तो अच्छी जरूरत ही नहीं है, देश को क्यों नुकसान में ला रहे हो? सुप्रीम कोर्ट भी एग्री नहीं करेगा इस चीज़ के लिए आप फ्री दीजिए। आप न्याय दीजिए, आप कम रेट कर दीजिए, आप मत लीजिए पूरी फीस मत लीजिए, उनको जनता को रियायत दीजिए, सब्सिडी उनको जो भी है उनको रियायत दीजिए जो आपके हाथ में है। फ्री नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए किसी को भी, किसी तरह की फ्री नहीं चाहिए। फ्री उन्हीं को चाहिए जो आपके वोट बैंक के अंदर आते हैं। कौन लोग आते हैं वोट बैंक के? जो अब मैं ऐसे नाम लेके किसी समुदाय का नहीं आपको कह सकता, पर जो लोग इसके इंटरेस्टेड हैं, जो फ्री के इंटरेस्टेड है, उससे देश का कल्याण नहीं होगा ना दिल्ली का कल्याण होगा। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, जमुना पार। तो आपको कुछ फ्री का मिल रहा है, बिजली पानी? कोई फ्री नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, हमारा बिजली का बिल 4,000-3,000 से कम का नहीं आता है, पानी भी 2,500-3,000 से कम का नहीं आता है। क्या फ्री है इसमें, क्या छूट है, ये तो दिल्ली सरकार जाने। और एक पानी और बिजली एक ऐसी चीज़ है इसके विरुद्ध, इसके अंदर कितना भी भ्रष्टाचार कर लिया जाए वो भी कम है। तो ये कैसे खत्म होगा, ये वाला कल्चर कैसे खत्म होगा? ये अपनी ईमानदारी पे होगा, अगर ये ईमानदारी के पुतले हैं तो, अगर ये अपने को सच्चाई का भूत बनाते हैं तो ये अपने आप ईमानदारी उसको करेंगे। नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियाँ सत्ता में आने के लिए फ्री की रेबड़ियाँ बांटती है। देखिए, ये सिस्टम जिन्होंने चलाया है, एक बार जीत गए पब्लिक के उसमें उन्होंने फ्री का करके, दूसरी बार आगे तो तीसरी बार आना मुश्किल है ना, कि अपना जो स्टेट है वहीं का वहीं खड़ा है ना। जो ये कहते थे हमारे पास पैसा आएगा, बजट आएगा और जो टैक्स आएगा उससे हम इसका निर्माण करेंगे दिल्ली का, कहाँ निर्माण हुआ है बता दो, दिल्ली का किस जगह निर्माण हुआ है, कौन सा निर्माण हो रहा है? तो निर्माण में तो स्टॉपेज लग गया ना, तो इसीलिए अगर चाहे DTC बस हो, चाहे राशन हो, चाहे आपका दवाइयाँ हो, मेडिकल की सुविधा हो, आप इनमें वो गरीब से लेके मिडिल क्लास के लोगों तक को इसमें छूट दीजिए। पैसे वाला तो अपना खर्च प्राइवेट में कर लेता है, जैसे नेता लोग अपने प्राइवेट में अपना इलाज कराते हैं, गरीब आदमी नहीं करा सकता ऐसे, तो इसीलिए उन गरीबों को कुछ ऐसी सुविधा दी जाए जो उनके जान और माल की रक्षा हो सके। क्या नाम है आपका? प्रीतपाल सिंह। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब तक देश में स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान विश्व का नंबर वन देश नहीं बनेगा, कैसे देखते हैं? भाई देखो, केजरीवाल साहब का जो है ना, उनका कोई तीन ईमान माई बाप नहीं है, यतीम बंदे बिल्कुल, रोना रोते रहते हैं, बच्चों की कसम खाते रहते हैं, झूठी कसम खाते रहते हैं, मोदी जी हमें काम करने देते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जो है, आपके जो सो कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक हैं और वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं, बोलिए केजरीवाल जी, कभी आप खुद मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं ना, जितने भी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, सब के सब उनके खुद के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के घरों में बने हैं, उनको किराया जा रहा है
और उसमें कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, जितने भी डॉक्टर बिठाए हैं वो सब MBBS नहीं, वो RMP हैं, जो कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसके बाद जो केजरीवाल जी जो दावा करते हैं कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक में, सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक में 216 टेस्ट होते हैं, हार्डली 10 से 12 टेस्ट होते हैं गिनती के, वो भी फिर केजरीवाल जी कहते हैं कि इलाज के लिए आइए। मैं पूछता हूँ केजरीवाल जी, 2 साल पहले आपको खांसी थी, आप बेंगलोर के इलाज कराने के लिए 24 लाख का बिल आ गया। मैं केजरीवाल जी, आपके पंजाब के जो CM है भगवंत मान जी, अभी पीछे उन्होंने 1-1.5 महीने पहले पंजाब की कोई नदी साफ की थी और वहाँ का पानी पिया था, बीमार हो गए थे, दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में आए थे। मनीष सिसोदिया एंड फैमिली, उनका अभी 22 लाख समझ गए। तो आपको तो क्या लगता है कि फ्री की जरूरत नहीं है? नहीं, फ्री की देखिए ऐसा है ना, फ्री जो चीज़ बांटिएगा पब्लिक को निकम्मा करिएगा। फ्री देना है तो ढंग की एजुकेशन दीजिए। वर्ल्ड के 40+ कंट्रीज़ में 12th तक एजुकेशन फ्री है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ जो इन्होंने जो मोहल्ला के जो इन्होंने जो वर्ल्ड का स्कूल बनाए हैं, स्कूल जो थे एक्चुअली उन्होंने एक भी नहीं बनाया है, ऑलरेडी स्कूल का ढांचा खड़ा था, स्कूल चल रहे थे, बस तीसरा या चौथी मंजिल में कमरे बना दिए और कमरे का जो बिल पास वाले 20 लाख 25 लाख 25 लाख में 2 BHK का मकान तैयार हो जाता है, 2.5-3 लाख का खर्चा आता है, 20-25 लाख के उन्होंने सिर्फ कमरे बनाए, लीपा पोती कर ली। कहना है कि सीधे तौर पे ये फ्री के बला दिल्ली में जो केजरीवाल चला रहे हैं ठीक नहीं भाई साहब, बिल्कुल चलाए कहाँ रहे हैं, फ्री का अपने जेब भर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के अपने विधायकों का जेब भर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब स्वास्थ्य और शिक्षा देश में फ्री होगा तभी हिंदुस्तान नंबर 1 देश बनेगा। कैसे नंबर 1 बनेगा देश, बताइए भाई साहब, हर चीज़ फ्री होगा तो सबको फ्री दो, फिर कैसे देखिए फ्री के चक्कर तो बहुत, ठीक है आप जो गरीब है उनके लिए आप जिनको उनके लिए आप फ्री करो, जो बेचारे दे नहीं पा रहे 4,000-5,000 महीने का कमा रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो बंदे पैसे वाले हैं, हम जैसे लोग नौकरी करते हैं 25-30 हज़ार तनख्वाह लेते हैं, हम तो 10 रुपये टिकट ले सकते हैं ना, तो वो ठीक है, लेकिन जिनको बना फ्री करना उनको दो जो बेचारे गरीब है। तो क्या आपको जो ये सरकार फ्री का बिजली फ्री का पानी दे रही है ये गलत है? गलत है ये। क्यों गलत है? गलत इसलिए बिजली का पानी कह रहे थे बिजली के बिजली फ्री दे रहे थे 200 यूनिट, अब बिल तो वही सेम बिल आ रहा है, बिल में तो कोई कम नहीं है, मकान मालिक तो जहाँ किराया दे रहा है वो तो बोल रहे हैं भैया 200 यूनिट फ्री है, वो तो पूरा पैसे ले रहा है, 7 यूनिट 8 यूनिट ले रहा है, फ्री क्या हो गया, फ्री कुछ नहीं हुआ। तो आप इसका सपोर्ट नहीं करते? नहीं, मेरा सपोर्ट जो ये सपोर्ट नहीं है, ये गलत चीज़ कह रहा है, उनको करो जो बेचारे नहीं दी है।